नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। मधुबनी जिले में घटी घटना। कोलकाता से ट्रेन से वापस घर आ रहे चार्ट्स अकाउंटेंट नशा खुरानी गिरोह का हुए शिकार। नशा खुरानी गिरोह ने उनके पास से एक लैपटॉप, 10,000 नगद, सोने की चैन, हनुमानी, दो अंगूठी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना मंगलवार की है। जयनगर स्टेशन पर रेल प्रशासन ने ट्रेन से बेहोशी अवस्था में एक युवक को उतारा, जिसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश युवक के पॉकेट में मिली आईडी की शिनाख्त की गई, जिसके आधार पर उसकी पहचान बैनीपट्टी के भोईली गांव निवासी पप्पू कुमार के रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें, जयनगर जीआरपी की सूचना पर उसके परिजन यहां पहुंचे। इन दिनों जयनगर समस्तीपुर रेल मार्ग पर नशा खुरानी गिरोह की सक्रियता के कारण रेल यात्री लूट का शिकार हो रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। ये घटना कैसे हुई आपके साथ? घटना 11 बजे के आसपास वोटिंग में चला गया, तो फिर काउंटर से इधर टिकट करते करते बगी में उठा SC S6 में। तो वहाँ पे काउंटर से पहले ही एक टीटी और दो तीन चलते बात कर रहे थे उनसे, ठीक है, उनसे बात करने, टीटी से बात करने के बाद मेरी बात खत्म हुआ, तो फिर हम आगे मूव किए तो वो उनको पीछे लग गए। उसका टिकट था तो बोले मेरे पास तीन एक्स्ट्रा तीन सीट है, दो आएगा एक नहीं आएगा। एक तरफ से अगर पैसे लोग अंदर लेंगे तो बातचीत करेंगे, एक तरफ से जा सकते। रात में क्या हुआ कि हम सो रहे थे, तो ऐसे बातचीत तो हो रहा था इंग्लिश में, बीच बीच में चाय लेके दिया हमको, तो हम चाय को पीने का मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा अपनी लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, तो और चलो ठीक है, बस दो घुट पिया फेंक दिए। उसके बाद हम एक दो घंटा तक जगे रहे, फिर तब सो गए। तब ऐसा आपका क्या क्या चोरी हो गया? चोरी इसमें दिख रहा है, अभी लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल चार्जर, मोबाइल भी, मोबाइल नहीं, लैपटॉप, मोबाइल, मोबाइल है, लैपटॉप का चार्जर, चेन के चेन भी है, अंगूठी का, अंगूठी का, हनुमान जी का, हनुमान जी, बस 10,000 रुपया कैश, 10,000 रुपया कैश भी था उसको। कैडा में आपके मतलब क्या कर रहे हैं? मधुबनी में एम्प्लॉयड हैं, अपना ऑफिस। अच्छा, हम खुद का कार्य करते हैं मधुबनी। कलकत्ता से आ रहे थे। कलकत्ता से आने के क्रम में, जयनगर आने के क्रम में जो इनके साथ में ऐसा घटना हुआ। ये थी आज की ताज़ा खबर। देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।